नमस्कार, प्राइम बीकी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त खबर शाजापुर मध्य प्रदेश से है। अत्याचार अन्याय भ्रष्टाचार निवारण कमेटी के तत्वाधान में जिला पंचायत सीईओ के समक्ष धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग को जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर ने सुना। इसकी मुख्य समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिला पंचायत सीईओ ने तत्काल सभी लोगों की सूची बनाने के आदेश दिए एवं उनकी जाँच कराने का आदेश दिया। विकलांग लोगों को पेंशन और ट्राइसाइकिल आदि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सूचीबद्ध किया गया और सुनील भारती के द्वारा दिए गए भ्रष्टाचार की जांच अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर संतोष टैगोर ने 15 दिन का समय में जांच कराने का आश्वासन दिया। सभी ग्रामवासियों ने सुनील भारती एवं जनपद कालापीपल के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा। पूरा जिला पंचायत परिषद में गूंज उठे धरना प्रदर्शन काल में मुख्य रूप से राजा साबिर हुसैन जावेद खान मनीलाल जनपद सदस्य जियाउल भाई सहित कई अन्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। प्राइम बीकी न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट। यहाँ पर एकत्रित हुए पूरे बकायन पंचायत के ग्राम पंचायत बकायन के सचिव सुनील भारती ने और वहाँ के रोजगार सहायक अकरम भाई ने यहाँ के इन लोगों के प्रधानमंत्री आवास और अन्य जो शासन की योजना है उनका लाभ नहीं दिया है और इन लोगों से लाभ देने के नाम पर कई बार राशियाँ वसूल करी हैं। और हम लोगों ने 6 महीने पहले एक ज्ञापन दिया था जनपद पंचायत सीओ को, उसकी 16 बिंदुओं की उसकी जांच भी अभी तक नहीं हुई। इन सब बिंदुओं को लेकर और ग्राम पंचायत बकान के लोगों के जो जनहित के काम हैं और जनहितेशी योजनाएं हैं, जनता जनमूलक योजनाएं हैं, उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और वहाँ रिश्वतखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ जिला पंचायत सीईओ के पास लेकर आए थे सबको। सुनील भारती पहले से सुर्खियों में रहे हैं लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण है? इसमें जनपद सीओ और अन्य अधिकारियों का उनके ऊपर वर्द हस्त है, इस वजह से उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है, लेकिन इस बार हम कार्यवाही करवा कर ही दम लेंगे। अभी आप जिला पंचायत शाजापुर आए हैं लेकिन आपको जो अपर कलेक्टर द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों के काम हैं उनके हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं और हम लिस्ट बना के उनके काम करवा देंगे और जो 16 बिंदुओं की जानकारी है वो 15 से 20 दिन में करवाएंगे। अगर वो ये नहीं करवाते हैं तो फिर हम सब ग्रामवासियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे और चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पूरे जो ग्राम पंचायत बकायन के लोग क्या चाहते हैं? ग्राम पंचायत बकायन के लोग चाहते हैं कि सुनील भारती को ग्राम पंचायत बकायन से हटाया जाए, रोजगार सहायक अकरम को भी हटाया जाए और वहाँ अच्छा और सुलझा हुआ सचिव भेजा जाए जिससे ग्रामवासियों को योजनाओं का लाभ मिले। सुनील भारती द्वारा कौन कौन सी बातें जो कही गई थी जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं? सुनील भारती द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है, गाली गलौच की जाती है, ग्रामवासियों के साथ गाली गलौच की जाती है और उनको उनके कामों को अटकाया जाता है और उनको शासकीय कार्यालय ग्राम पंचायत से भगा भी दिया जाता है तथा उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे सही से बात नहीं की जाती है। अभी तक जो 6 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अगर ना होने के कारण आप क्या करोगे? अगर कार्यवाही, अब हमें 15-20 दिन का समय दिया है जिला पंचायत सीओ ने, अगर कार्यवाही नहीं हुई तो हम कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन के बाद भी नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल तक जा सकते हैं। दादा, आप विकलांग हो, किस कारण आप यहाँ पर जिला पंचायत में आए? सर, मैं कोटी के लिए आया हूँ जी, मतलब मैं कोटी नहीं मिलती, 3-3, 4-4 का और मैंने कागज लगा दिए जी, कोई वही नहीं है, ना लिस्टों में नाम आ रहा है ना कोई सुनवाई हो रही है, कहीं भी जाता हूँ तो मतलब ये कि हो जाएगा। 6 महीने होगा सर, 6 महीने हुए अभी की बात है, पहले भी आपका 2017 में करे सर, इस तरह से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? कुछ भी नहीं मिल पा रहा और मेरे माता पिता के पास रहता हूँ और किसके पास रहता हूँ, मैं को भगा देते हैं मंत्री लोग, गाली बकते हैं जी। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनसे हमारे यही गुजारिश, हमें पीएम आवास मिलना चाहिए जी।